आगे और बात करेंगे मंदसौर की, जहां नगरीय निकाय चुनाव में एक नगर पालिका और 10 नगर परिषद से पार्षद पदों के लिए प्रत्याशियों ने अंतिम दिन नामांकन दाखिल किए। वार्ड एक से बीजेपी की नम्रता रितेश चावला ने पर्चा भरा। नम्रता रितेश ने बीजेपी हाईकमान को धन्यवाद देते हुए कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। चुनाव जीतने के बाद योजनाओं को लेकर जन जन तक पहुंचने की कोशिश होगी। निकाय चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम दावेदारों को मैदान में उतार चुका है। आ चुकी है नामांकन की अंतिम दिनांक है। ऐसे में मंदसौर महिला अध्यक्ष सीट है जो महिला आरक्षित हुई है। मेरे साथ मौजूद है नम्रता प्रीतेश चावला, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रबल दावेदारी मानी जाती है, अध्यक्ष दावेदारी की। उनसे ही बात करते हैं कि नम्रता, किस तरीके से आप आगे जो है आपके जीतने के बाद में क्या प्राथमिकता रहेगी और किस तरीके से आप नगर का विकास करेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि सबसे पहले मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास जगाया है। मुझे वार्ड नंबर एक से टिकट मिला है तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी अपनी वार्ड नंबर एक का डेवलपमेंट करने की। सौंदर्यकरण तो रहेगा ही, हम पार्षद सेवा केंद्र खोलेंगे जो एक नई स्टार्टअप होगा हमारी तरफ से, जिसमें हम सारी योजनाओं के बारे में जन जन तक जागरूकता फैलाएंगे। और मैं ये चाहूँगी कि सभी तरह की उसमें जितनी भी लोगों के प्रति जितनी भी क्योरीज है हम सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। और सौंदर्यकरण तो रहेगा क्योंकि वार्ड नंबर एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी ब्लेस्ड है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे गार्डन्स हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उन गार्डन्स पे वर्क करूँ। हम डिफरेंट अलग अलग तरीके गार्डन्स को बनाएंगे, जैसे वृद्धों का, बच्चों के लिए झूले लगवाएंगे और साफ सफाई पे ध्यान देंगे। महिला होने के नाते महिलाओं के क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक महिला हैं तो कहीं कहीं आप सीट भी जो है महिला के लिए आरक्षित हुई थी। महिलाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि आइए, बाहर निकलिए, उभर कर आइए और अपनी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है शेयर कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन को इम्पोर्टेंट दीजिए। अगर हम एजुकेशन को इम्पोर्टेंट देंगे तो डेफिनेटली हम एक बहुत ही एजुकेटेड भारत का निर्माण करने में प्रमुख दावेदारी करेंगे। थैंक यू। तो मेरे साथ में ये थे नम्रता चावला जी, जिनका कहना है कि महिला होने के नाते महिला सशक्तिकरण या महिलाओं के जो भी जितने भी प्रकार के मुद्दे हैं उनको उनकी प्राथमिकता रहेगी, साथ ही नगर के स्वच्छ और सुंदर बनाने की इनकी अहम प्राथमिकता रहेगी। कमलेश मोदी, INS News, मंदसौर।